जय श्री राधे राधे। आप सबका स्वागत है लाडली कानू चैनल में। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वेंकटेश्वर भगवान के बारे में कि उनका अवतार पृथ्वी पर कैसे हुआ और उसके पीछे क्या स्टोरी है। अगर फ्रेंड्स आपने हमारे अदर्स वीडियोज नहीं वॉच किए हैं तो जाके आप वॉच कर सकते हैं। उनमें भी वेंकटेश्वर बालाजी के बारे में बहुत कुछ बताया है। बालदान कैसे करते हैं, वहाँ पे कैसे पहुँचा जाए, ये सारी वीडियो बनाए हैं। ये फोर्थ वीडियो है तो आप अदर वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कलयुग के प्रारंभ में भी भगवान आदि वराह वेंकटाद्रि को छोड़कर अपने स्थायी स्थान यानी कि वैकुंठ चले गए थे, जिससे भगवान ब्रह्मा बहुत चिंतित थे और उन्होंने नारद जी से कुछ करने को कहा, क्योंकि भगवान ब्रह्मा चाहते थे कि भगवान विष्णु का अवतार पृथ्वी पर हो। इसके बाद नारद जी गंगा नदी के तट पर गए, जहां ऋषियों का समूह भ्रमित था और ये तय नहीं कर पा रहा था कि उनके यज्ञ का फल भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव और भगवान विष्णु में से किसे मिलेगा। इसके समाधान के रूप में नारद जी ने ऋषि भृगु को तीनों सर्वोच्च देवताओं का परीक्षण करने का विचार दिया। ऋषि भृगु जी ने प्रत्येक भगवान के पास जाने और उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया, लेकिन जब वो भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव जी के पास पहुँचे तो उन दोनों ने ऋषि भृगु पर ध्यान ही नहीं दिया, जिससे ऋषि भृगु नाराज हो गए और अंत में वह भगवान विष्णु जी के पास गए और उन्होंने भी ऋषि भृगु पर ध्यान नहीं दिया। इससे ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु जी की छाती पर लात मार दी। क्रोधित होने के बावजूद भगवान विष्णु जी ने ऋषि के पैर की मालिश की और पूछा कि उन्हें चोट तो नहीं लगी, और उन्होंने कहा, हे ऋषिवर, आपके चरण बहुत कोमल है और मेरा वक्ष स्थल तो बहुत कठोर है, कहीं आपके चरणों में चोट तो नहीं लग गई। इससे वो ऋषि भृगु जी के चरणों की मालिश करने लगे और ये सारा वाक्या जो था हुआ था वो सब लक्ष्मी जी वहाँ पर देख रही थी, और ये सब देख के वो बहुत क्रोधित हो गई कि उन्होंने एक तो बहुत गलती करी कि मेरे पति के वक्ष स्थल पर प्रहार किया, फिर भी श्री विष्णु जी ने उनको कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि नाराज भी नहीं हुए और उनके चरणों की मालिश करने लगे। इस बात से लक्ष्मी जी बहुत क्रोधित हो गई और ऋषि भृगु ऋषि के जाने के बाद लक्ष्मी जी भी वैकुंठ छोड़कर धरती लोक पर आ गई और वो महाराष्ट्र में जहाँ आज कोल्हापुर स्थित है वहाँ पर आके तपस्या करने लगी। इस तरीके से लक्ष्मी जी पृथ्वी लोक पर आ गई। लक्ष्मी जी के पृथ्वी लोक पर जाने के बाद भगवान विष्णु भी बहुत दुखी रहने लगे और वो उन्होंने भी निश्चय ले लिया कि अब मैं पृथ्वी लोक पर जाऊंगा और लक्ष्मी जी की खोज करूंगा, और उन्होंने वैकुंठ छोड़ दिया। वो साधारण पुरुषों का वेश बनाकर पृथ्वी लोक पर वेंकटाद्री पर्वत पर समस्त पृथ्वी लोक पर घूमते रहे और लास्ट में वो वेंकटादि पर्वत पर पहुँचे। वहाँ पर वो थक के एक जगह विश्राम करने लगे, जहाँ पर चींटियों ने बहुत बड़ा पहाड़ बना रखा था वो वहाँ पर विश्राम करने लगे, लेकिन फिर भी लक्ष्मी जी का कोई पता उनको नहीं चला। और इस बात को शिव जी और ब्रह्मा जी देख रहे थे और वो इस तरीके से विष्णु जी को परेशान देखकर उन्होंने निश्चय किया कि हम उनकी मदद करेंगे, और वो शिव जी और ब्रह्मा जी एक गाय और बछड़े के रूप में परिवर्तित होकर पृथ्वी लोक पर आए और माता लक्ष्मी जी को ये सब बताया कि विष्णु जी दर दर भटक रहे हैं आपकी तलाश में। तब लक्ष्मी मैया ने एक ग्वालिन का रूप धारण करके उन बछड़ी और गैया को एक चौल नरेश को सौंप दिया और उसकी रक्षा करने के लिए, पालन पोषण करने के लिए कहा, और उस राजा ने उसको एक चरवाहे को दे दिया कि इसका पालन पोषण करो और अपने पास रखो। लेकिन वो गाय डेली चरने जाती थी तो अपना पूरा दूध श्रीनिवासन को यानी कि विष्णु भगवान को पिला के आ जाती थी और डेली वो ऐसा करती थी। इससे चरवाहा परेशान रहने लगा। एक दिन उसने निश्चय किया कि मैं इसका पीछा करूंगा कि अपना दूध कहाँ पे देके आती है, ये दूध क्यों नहीं देती है। तो उसने पीछा किया और पता चला कि ये कहीं अपना दूध खाली कर देती है, तो उसने उसको मारने की इच्छा
प्रकट करी और जैसे उसने मारना चाहा तो उसने हथियार उसकी तरफ फेंका गाय की तरफ, वैसे ही भगवान विष्णु ने उसको वापस पलट के गाय की रक्षा करते हुए चरवाहे की तरफ चला दिया और इससे चरवाहा वहीं मर गया। लेकिन इस टाइम पे भगवान विष्णु जी के सिर पर चोट आ गई थी और साथ में वहाँ का जो राजा था वो भी वहाँ पे आ गया और इसके लिए उन्होंने भगवान विष्णु ने उनको भयंकर राक्षस होने का शाप दे दिया। और लेकिन वो बहुत ही दुखी हुआ कि ये जो भी हुआ है सब जाने अनजाने में हुआ है और उसे वो क्षमा कर दे। तो उन्होंने बोला कि हे राजा, तुम्हारा जो ये श्राप है ये तब ख़त्म होगा जब हम पृथ्वी पर अवतार लेंगे और आप आपकी कन्या का विवाह हमारे साथ कर देंगे, तब आपका ये जो श्राप है वो ख़त्म हो जाएगा। ये बात सुनकर राजा चले गए और कुछ टाइम बाद में भगवान विष्णु का भी अवतार हुआ श्रीनिवासन के रूप में बकुल देवी के घर पे, जो कि पिछले जन्म में यशोदा मैया थी और अब आकाश राजन का भी जन्म हो चुका था और संतान नहीं होने की बात उन्होंने ऋषि मुनियों को बताई और ऋषि मुनियों ने बताया कि आपके एक दिव्य जन्मा कन्या जन्म लेंगी और वो अवतरित होंगी पृथ्वी से। तो वो पृथ्वी में भूमि में गए और वहाँ पे एक कमल के फूल में और एक बक्से के अंदर एक कन्या उन्हें प्राप्त हुई। ऋषि मुनियों के कहे अनुसार उसको वो अपने घर लाए और वो बड़ी होने लगी और उसका नाम रखा गया पद्मावती। एक दिन वो वन में यानी कि जंगल में गई हुई थी अपनी सहेलियों के साथ। साथ ही श्रीनिवासन जो थे कि मैया के घर पे जो बकुल देवी के पुत्र थे वो भी जंगल में शिकार खेलने के लिए गए थे और एक वहाँ पे एक हाथी बहुत ही बिगड़ गया था जो कि पद्मावती की सहेलियों के और उनके जो समूह था उसके पीछे पड़ा हुआ था और वो किसी भी सैनिक के काबू में नहीं आ रहा था। श्रीनिवासन ने ये सब देखा तो श्रीनिवासन ने उन पद्मावती की सहेलियों की रक्षा की और साथ में पद्मावती जी को देखा तो पहली नज़र में ही उनसे आकर्षित हो गए, उनसे प्यार कर बैठे। साथ में पद्मावती जी को भी उनसे प्यार हो गया और वो पद्मावती जी अपने घर चली गई और श्रीनिवासन भी अपने घर चले गए। श्रीनिवासन ने घर पे जाकर अपनी माँ को ये सारी बात बताई और कहा कि रिश्ते की बात चलाएं। तो मैया वहाँ पर गई और जाकर आकाश राजन को बताया लेकिन आकाश राजन ने मना कर दिया। लेकिन जब उन्होंने ऋषि मुनियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि श्रीनिवास कोई साधारण इंसान नहीं है, वो साक्षात विष्णु जी ही हैं और धरती पर अवतरित हुए हैं। तो आकाश राजन मान गए और पद्मावती जी का रिश्ता उनके साथ करने के लिए तैयार हो गए। और लेकिन अब एक समस्या ये आ गई है कि श्रीनिवासन जो है यानी कि विष्णु भगवान है यहाँ पर एक साधारण इंसान की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं और उनके पास धन नहीं है शादी करने के लिए। तो उन्होंने धन उधार लेने की सोची क्योंकि वो साधारण इंसान की तरह आए हैं तो सारा जीवन उसी के अनुसार चलाना चाहते हैं जैसे आम इंसान चलाते हैं। तो उन्होंने कुबेर जी से धन उधार लिया शादी के लिए और कहा कि कलयुग में मैं यहाँ पर पूजित होऊंगा और मेरे भक्त जो भी मुझे चढ़ावा चढ़ाएंगे उसमें से आपको धन मिलता रहेगा जो भी मैंने आपसे उधार लिया है। तो इस तरीके से उन्हें उधार लेके और शादी की पद्मावती मैया से। और पद्मावती मैया से शादी करने के बाद जैसे ही लक्ष्मी जी को इस बात का पता चला कि विष्णु जी पृथ्वी लोक में गए हैं और उन्होंने शादी कर ली है, तो लक्ष्मी मैया जी आई और जैसे ही लक्ष्मी मैया जी को और पद्मावती जी को एक साथ देखा तो श्रीनिवासन यानी कि विष्णु भगवान ऐसे के ऐसे ही मूर्ति में परिवर्तित हो गए। और उसके बाद से ही उन्होंने उनसे कहा कि यहाँ पर बस मैं इसीलिए आया था कि कलयुग में सबको दर्शन दे सकूं और ये लीला इसीलिए हुई थी। ये सब सुनकर पद्मावती मैया और लक्ष्मी मैया जी भी उनके अंदर समा गई और उनके साथ साथ ही पूजन होती है। इसीलिए वेंकटेश्वर भगवान को स्त्री पुरुष के कपड़े पहनाए जाते हैं। ये प्यारी सी कथा थी वेंकटेश्वर भगवान के अवतरित होने की। आप सबको कैसी लगी जरूर बताइएगा। जय श्री राधे राधे, जय तिरुपति बालाजी।